गंगा तालाब। यह गंगा नदी से निकला हुआ तालाब नहीं है, बल्कि मॉरिशस के सैकड़ों मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा तालाब मंदिर की कल्पना एक नेपाली ब्राह्मण ने की थी। गंगा तालाब मंदिर न केवल मॉरिशस के लोगों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है, बल्कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ शिव जी, हनुमान जी और दुर्गा माता की दैविक मूर्तियां हैं। दादा सॉल खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल आप हमारे साथ मॉरिशस की सैर कर रहे हैं। हमने बहुत सैर यहाँ पे की। कुछ दिन बाद इंडियन खाने की याद आ जाती है। जब भी कभी हम बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तानी खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि एक ऐसा खाना जिसे बार बार खाया जा सकता है वो है इंडियन खाना। तो ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसे बढ़िया रेस्टोरेंट में पहुंचे जिसका नाम है इंदिरा, और इतना बढ़िया इंडियन खाना यहाँ पर मिलता है कि हमने सोचा कि आपको भी यहाँ का कुछ खाना टेस्ट कराएं। ये जो रेस्टोरेंट है वो दमेन लिपाई के अंदर है, और इतना बढ़िया खाना पूरे मॉरिशस में कहीं नहीं मिलता है। इसकी शुरुआत हम करते हैं कुछ ऐसे खानों के साथ जो यहाँ पे कुछ नए तरीके से बनाए हैं यहाँ के शेफ ने, जिनका नाम है शेफ ज्ञानचंद। कैसे हैं शेफ? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। चलिए, दिल्ली से आकर मॉरिशस में हम कुछ बनाते हैं बढ़िया खाना। क्या खिलाएंगे आज? आज हम आपको मच्छी जुगलबंदी खिलाएंगे। भाई वाह, मच्छी जुगलबंदी। किस चीज से जुगलबंदी की जाती है देखते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए कि मच्छी जुगलबंदी में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम बोनलेस फिश फिंगर साइज में कटी हुई, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 200 ग्राम भिंडी, 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी राई, 3/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3/4 कप बारीक कटे हुए प्याज, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 8 से 10 करी पत्ते, 1/2 कप कोकोनट मिल्क, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो शेफ, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम मच्छी लेंगे जो ये फ्रेश कटी हुई है। ओके, बोनलेस फिश। बोनलेस फिश फिले। फिश फिले को आपने बोनलेस जो है उसे लंबा लंबा काटना है फिंगर साइज के अंदर। मैं इसको इसलिए ऐसे काटा है क्योंकि मैं इसके साथ भिंडी का मैरिनेशन बना रहे हैं साथ में। ठीक, तो दोनों लंबे लंबे होना चाहिए। ओके, क्योंकि जिस साइज की भिंडी है उसी हिसाब से ये काटे, मच्छी को भी काटा है। चलिए, अच्छा है कि भिंडी ली, अगर गोभी ली होती तो हमें समझ नहीं आता मच्छी कैसे काटते हैं। तिरंगा काटना पड़ता है। तो इसको फिश को इस मैरिनेट करेंगे किसी चीज में? जी, इसमें थोड़ा हम हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके साथ इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर। इंडियन खाना है, जब तक उसके अंदर कुछ मसाले नहीं डालें तो मजा नहीं आता है। थोड़ा गार्लिक, गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा जिंजर, अदरक का पेस्ट और लेमन और नींबू का रस। ये सब चीजें डालने के बाद इसे हमने मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद थोड़ा इसमें सॉल्ट डालिए, नमक। 15 मिनट तक इसको इसी तरह से मैरिनेट के अंदर रखना है, और उसके बाद इसको पकाना है हमने। उसके बाद हमने थोड़ा सा तेल में सोते करना है। ठीक है, एक नॉनस्टिक पैन या किसी भी बर्तन के अंदर तेल डालेंगे और उसको पकाएंगे। इसको हाफ डन करना है, ज्यादा नहीं पकाना है, ताकि करी पकाएंगे तो उसमें भी इसका जूस रहे, मतलब पूरा ज्यादा इसको पका के नहीं रखेंगे जी, थोड़ा सा इसे पकाना है। शेफ, आपको गाने का भी शौक है? थोड़ा 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 गाता हूँ। थोड़ा थोड़ा गाते हैं पर बाथरूम में गाता हूँ। खैर, बाकी ये जो किचन में कमाल करते हैं उसमें ये जुगलबंदी फिश और भिंडे की, इसे अब आप निकाल लें। ये प्लेट में हमने कागज इसलिए रखा है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब इसके बाद हम भिंडी को सोते करेंगे, जिस तरह से हमने फिश को किया था उसी तरह से भिंडी को भी।
भिंडी को इसी तरह से करना है या कुछ इसमें मसाले डालेंगे? नहीं, इसको खाली सोते करके रखना, सिर्फ इसको तेल में थोड़ा सा पका के रखेंगे हम, ताकि ये कच्ची ना रहे फिर हमारे पास। तो भिंडी कच्ची नहीं रहे, ये सेम ऐसे, ये भी हल्का सा सोते किया। भिंडी को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि इसका एक तो कलर फेड हो जाएगा ज़्यादा पकाने से। कोई भी हरी सब्जी को अगर आप ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उसका रंग चला जाएगा। अभी इसमें प्याज और टमाटर का मसाला हमने बनाना है। इससे सबसे पहले हम लोग ये मस्टर्ड डालेंगे, राई का तड़का। इसमें जी जो तेल बचा हुआ है उसी के अंदर राई का तड़का, और इसमें सूखी हुई लाल मिर्च। सूखी हुई लाल मिर्च को आप थोड़ा सा तोड़ लें और इसके अंदर डालें। थोड़ा सा जीरा, क्योंकि ये जुगलबंदी है तो इसको सब मिक्स करना है। अच्छा, क्योंकि जुगलबंदी है तो इसमें आप देखिए कि हमने जीरा भी डाला है और मस्टर्ड सीड्स भी डाले हैं, राई भी डाली है। बिल्कुल। और इसके बाद इसमें गार्लिक, लहसुन की पेस्ट है, और थोड़ी और जुगलबंदी अदरक के साथ। अदरक के साथ थोड़ा सा इसे पकाने के बाद प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। इंडियन खाना है, इंडियन खाने के अंदर जो प्याज टमाटर का मसाला है और जितने मसाले हैं, जब तक उसे अच्छी तरह से पकाया नहीं जाए तो मज़ा नहीं आता है। अभी देखते हैं कि इसको बनाने में और क्या क्या चीज़ें जाती हैं। अभी इसमें क्या डालेंगे? इसके अंदर पहले हम सबसे पहले टमाटर डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर। मॉरिशस में टमाटर बहुत अच्छा मिलता है, देखिए कितना अच्छा लाल टमाटर है। वैसे जो क्रियोल सॉस है उसका भी बेस टोमेटो का ही रहता है, और फ्रेश टोमेटो इसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद फिर इसके अंदर हल्दी, और अब इसमें कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप इसमें। चलिए, जुगलबंदी है तो थोड़ा सा चाट मसाला भी। और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी डालेंगे, थोड़े पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, क्योंकि इसका भी अलग फ्लेवर है, अलग, काफी अलग फ्लेवर है। ओके, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा करी पाउडर, करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए इसको बाद में डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम भिंडी डालेंगे इसमें। पहले जो भिंडी हमने फ्राई की थी, भिंडी को इसके अंदर डालेंगे, और इस भिंडी को कुछ देर इस मसाले के अंदर हमने पकाना है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, क्योंकि ऑनियन वगैरह डाला हुआ हमने, उसके लिए सॉल्ट चाहिए। नमक डाल के मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम मच्छी डालेंगे। ये जो फिश हमने फ्राई की है, जो पहले इसको हल्का सा तला था, फिश को इसके अंदर डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डालेंगे। देखिए, अभी तक तो इसमें हमने भिंडी डाली थी, फिश डाली थी और जुगलबंदी, इसमें डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क। अब ये हमारे पास कोकोनट पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई जो कोकोनट पाउडर रहता है वो इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ अभी गरम मसाला पाउडर और धनिया डालना है, ये थोड़ा सा हम लोग गरम मसाला पाउडर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, काफ़ी हरा और काफ़ी फ्रेश। ये जो फिश है ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, भिंडी भी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डालने की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो सिर्फ आपको उठ के थोड़ा सा एफर्ट करने की, ये डिश बनाने की, ताकि हमारी यानी ज्ञानचंद और संजीव कपूर की जुगलबंदी आप अपनी किचन में लाके खुद अपने आप तैयार करें और बाकी लोगों को बिठाकर उनको ज़रूर खिलाएं। इसके लिए आप बोनलेस फिश के पीसेज में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, नींबू का रस और नमक डालकर मिला लें और इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इन फिश के पीसेस को आधा पका लें और भिंडी के पीसेस को भी तेल में थोड़ा सा सौते कर लें। इसके बाद तेल में राई, सूखी लाल मिर्चें
जीरा, लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें बारीक कटी प्याज डालकर भूने और इसमें कटे टमाटर डालकर इसे थोड़ा पका लें। और इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और कटे पुदीने के पत्ते डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें करी पत्ता डालकर मिक्स करें। और अब इसमें सौते की हुई भिंडी के पीसेस को डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें नमक डालकर मिलाएं, साथ में तरी फिश के पीसेस को डालकर मिलाएं और अब इसमें नारियल का दूध डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें कोकोनट पाउडर डालकर मिलाएं और इसमें गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल हम मॉरिशस की सैर कर रहे हैं और मॉरिशस में कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई तो हमने कहा कि कुछ ऐसा मीठा खाया जाए जिससे हिंदुस्तान की याद आए। तो हिंदुस्तानी मीठा खाते हैं लेकिन बनाने में उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घबराइए नहीं, जब तक हम मेहनत वाला काम करते हैं आप सैर कीजिए यहाँ की खूबसूरत वादियों की। इतनी बढ़िया जगह है डोमेन लेपाही, मजा लीजिए। Imaginez, pays là comme à l'étiété, laisse-moi des beaux yeux avec mon sac sur le dos. कहिए कैसी लगी आपको यह सैर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी यह जगह। लेकिन अब कुछ मीठे की बात करते हैं, कुछ मीठा खिलाएंगे शेफ? बिल्कुल जी, आपको आज हम खास मिठाई खिलाएंगे। खास मिठाई। तो देखते हैं मिठाई खास। मिठाई खास के लिए क्या क्या चाहिए आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मिठाई खास के लिए हमें चाहिए पैनकेक बनाने के लिए 3/4 कप मैदा, 1 अंडा, 1 कप दूध, 2 बड़े चम्मच चीनी और पैनकेक बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल। इसकी स्टफिंग के लिए अनानास, खरबूजा, सेब और कीवी फ्रूट्स। इसके साथ हमें चाहिए 1 लीटर दूध से बनी हुई रबड़ी। मिठाई खास के लिए सबसे पहले बैटर हमने तैयार करना है। ये जो खास चीज है इसको हम पैनकेक से बनाने जा रहे हैं। तो ये शेफ ने बैटर तैयार किया है और इस बैटर में क्या क्या डाला है शेफ? इसमें मैदा है, अंडा है, दूध है। मैदा, अंडा, दूध और चीनी। हाँ, क्योंकि मिठाई है तो थोड़ा सा मीठापन इसमें। और ये जो बैटर है आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी या बहुत पतली नहीं है। और इसके अब पैनकेक बनाने हैं। आप कोई नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं और यदि आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो कोई ऑर्डिनरी पैन ले लें, उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा क्वांटिटी में लेके तेल को गर्म करें और तेल उसके बाद निकाल लें। जो पैन है कुछ देर तक नॉनस्टिक रहेगा। जिस तरह से हम नॉर्मल पैनकेक बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाना है। और इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे ये पैनकेक उठे। नॉर्मली कुछ पैनकेक जैसे ब्रेकफास्ट के लिए हम पैनकेक्स बनाते हैं उसके अंदर कभी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा मीठापन हमने डाला है। ये अभी साइड से तैयार है हमारा पैनकेक। ये देखिए पैनकेक निकलना शुरू हो चुका है। अब इसको हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे, दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। वैसे आप चाहें शेफ इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे तो कैसा रहेगा? इलायची का पाउडर हम लोग जब ये बैटर डालेंगे तब भी डाल सकते हैं, तब भी डाल सकते हैं। जब इसका हम लोग ये मसाला जो स्टफिंग करेंगे उसके बीच में डाल सकते हैं ताकि उसका फ्लेवर आए। बीच में, क्योंकि हमारा जो खाना है उसमें कुछ ना कुछ नयापन हमेशा करते रहना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ये पैनकेक तैयार हो गया है। ये देखिए शेफ ये तो पैनकेक तैयार हो गया, अब इसमें क्या करना है? अभी हम लोग यहाँ ये जो फ्रूट रखे हमारे पास 3-4 वैरायटी, जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ले सकते हैं। बट पपीता नहीं लेना है। पपीता नहीं लेना है? क्यों? क्योंकि वो गल जाएगा अंदर, सारा लेस छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद। चलिए खैर पपाया आप नहीं डालें। ये जो मिठाई है फ्रूट से बनी हुई है, इसमें पैनकेक हमने तैयार कर लिया है, फ्रूट्स कट रहे हैं। शेफ इसमें और कुछ भी तैयारी अभी लगेगी? अब और इसमें रबड़ी चाहिए हमें। रबड़ी जी, रबड़ी हमारे पास रेडी करके रखी है हमने। जिस तरह से हम नॉर्मल रबड़ी तैयार करते हैं उसी तरह से रबड़ी तैयार करके रखी हुई है। ये जो रबड़ी है मैं एक बार बता देता हूँ आपको किस तरह से बनानी चाहिए। आप दूध को गर्म कर लें, उबाल लें और उसके बाद धीमी आंच पर दूध को काफ़ी देर तक पकाते रहना है ताकि जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाना चाहिए। और उसके बाद उसमें चीनी डालकर उसको मीठा करें और उसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर शेफ ने 2 तरीके की रबड़ी तैयार की हुई है। एक तो है ये सैफरन वाली, केसर वाली, और दूसरी प्लेन।
लेकिन दोनों में लगता है इलायची का फ्लेवर दिया हुआ है। जी इलायची इसीलिए डाली हुई है इसमें रबड़ी में, क्योंकि हम लोग अभी फ्रूट में डालने की जरूरत नहीं है। फ्रूट में डालने की जरूरत नहीं है, इसमें डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये फ्रूट अभी हमारा ये फ्रूट कट गया है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज रह गई है शेफ? अब हम पैनकेक के अंदर इसको स्टफिंग करेंगे। ये जो पैनकेक बनाया उसके अंदर फ्रूट्स डालेंगे? जी, उसके अंदर डाल के। ठीक है, प्लेट में लगाएंगे, डेकोरेशन बनाएंगे इसकी। ये हमारे पास ये पैनकेक है। अब इसको हम हाफ में काटेंगे, आधे में काट ले, ताकि इसको हम कुल्फी टाइप से बनाएंगे सीधा। अच्छा, इसके दो हिस्से कर दिए? दो हिस्से कर दिए। अब ये जैसे हम समोसे के लिए रोल करते हैं वैसे इसको रोल कर लिया हमने, थोड़ा धीरे से। ये इसको आधा काट लें, और शेफ जैसा कह रहे हैं कि इसको जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं, शेफ हमारे और आपके लिए समोसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने समोसा नहीं बनाया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, जहाँ से हमने काटा है उसको ये हाथ में ये उंगली के साथ साथ पैरेलल रखें, और उसके बाद ये किनारा इस तरह से फोल्ड करें और दूसरा वाला किनारा इधर ले लें। ये ऐसे, इस तरह से, ताकि ये बीच में ऐसे बन जाए। हाँ, इसके बीच में हमने अभी स्टफिंग करना है। आप पकड़िए, मैं डालता हूँ अभी, देखो। ठीक है, ये जितने फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर डाल लें। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है शेफ इसको? अब इसके बाद ये हम इसको एक प्लेट में रखते हैं। सबसे पहले प्लेट को, हमारे पास ये सैफरॉन की रबड़ी है, केसर वाली जो रबड़ी है जी, इसको इसके अंदर डाल के नीचे इसका बैकग्राउंड ये डालेंगे। ओके, और उसके बाद ये यहाँ पे इसके बीच में ऐसे थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, ऐसे थोड़ा सा इसको खोल दें ताकि दिखे कि इसके अंदर फ्रूट लग रहा है, फ्रूट्स नजर आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरी रबड़ी हमारे पास तैयार। ठीक है, नीचे केसर वाली और ऊपर ऑर्डिनरी रबड़ी, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम कवर करेंगे पैनकेक को, मतलब दो तरह की रबड़ी, ताकि इसमें थोड़ा मीठा टेस्ट आना चाहिए। ये जो मिठाई है इसमें फ्रूट्स हैं, पैनकेक है और रबड़ी है, देने के लिए थोड़ा सा उसको सजा के दें। देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो जाती है, और आप चाहें तो इसमें कुछ और भी सजा सकते हैं, इसमें कुछ का डेकोरेशन कर सकते हैं, एप्पल का डेकोरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा कीवी फ्रूट लगा सकते हैं, एक मिंट का स्प्रिग रखें। आपकी इमेजिनेशन जैसी चले, जैसा आपको अच्छा लगे, दूसरों को पसंद आए, उसी तरह की आप प्रेजेंटेशन करें, और इस डिश को थोड़ा चिल करके, थोड़ा ठंडा करके उसके बाद खाएं। खैर, जब तक आप इसको खाते हैं हम थोड़ा सा और घूमते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, बाहर इतनी बढ़िया जगह है, मॉरिशस में आए हैं, काम कर लिया, अब घूमने जाता हूं मैं। Imaginez, pays là comme à l'étiété. Les mois des bords du loup, avec mon sac sur le dos, moi guide quatre côtés. मिठाई खास बनाने के लिए आप मैदा में अंडा, दूध और चीनी को मिलाकर बैटर बना लें, और इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल लेकर इसके पैनकेक बना लें, और इन पैनकेक को बीच में से काट लें, और इसे समोसे की शेप देकर इसके अंदर फ्रूट्स को स्टफ करें। उसके बाद एक प्लेट में रबड़ी का बेस बनाकर उसके ऊपर स्टफ किया हुआ पैनकेक रखें, और इसके ऊपर रबड़ी डालें और इसे गार्निश करके सर्व करें।